14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, उसके कुछ समय बाद से ही केस में एनसीबी जांच कर रही है। केस में कई बड़े नाम सामने आए, कितनों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज एनसीबी ने सुशांत के करीबी और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। एनसीबी की एक टीम सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई ला रही है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हीं के फ्लैट में रहता था। सुशांत के शव को सबसे पहले देखने वालों में से सिद्धार्थ एक था। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। मुंबई स्थित फ्लैट में उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। सुशांत की मौत ने सभी को हिला कर रख दिया था। सुशांत के घर वालों ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर भी कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे। सुशांत डेथ केस में जांच के दौरान ड्रग्स एंगल भी सामने आया, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस की जाँच पे लगी है। इसमें रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती जैसे कई लोगों के नाम सामने आए थे। सिद्धार्थ पिठानी भी उनमें से एक था। अब एनसीबी ने उसे अरेस्ट कर लिया है। जुलाई 2020 में सिद्धार्थ ने बताया था कि पिछले एक साल से सुशांत को वो जानता है। दोनों की मुलाकात कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। बाद में सुशांत के लिए सिद्धार्थ काम भी करने लगा। सुशांत के आखिरी वक्त में वो उनके साथ ही था। सिद्धार्थ ने बताया था कि सिद्धार्थ की सुशांत सिंह राजपूत से 13 जून की रात 1 बजे बातचीत हुई थी। सुशांत अपनी पूर्व मैनेजर दिशा के सुसाइड को लेकर परेशान थे, क्योंकि उनका नाम इस मामले में दिशा संग जोड़ा जा रहा था और उन पर कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।